जिहड़ा साडे उत्ते जुल्म दी नेरी छड्डी होई है। बेशक कांग्रेस सरकार आ जाए, बीजेपी आरएसएस आ जाए, पर सानू सिख कौम नू ये लोग टिकन नहीं दे रहे कि जेड़े सिखां दे उत्ते जबर करते हैं, साडी सिख कौम उन्हां दे उत्ते वार करती है। ये आम पार्टी जिहड़ी बीजेपी आरएसएस वर्गी है, गुलामी दे विच असीं घुसे होए हैं। सानू सरकार ने अज तक नहीं दस्या कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा सत्कार कित्थे कीता। सत्कारयोग साध संगत जी, निम्रता सहित आप नू फतेह अर्ज करदे हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज बहुत बड़ा दिन है कि आपां जिहड़ा साडे उत्ते जबर 1947 तो चलता आ रहा है, उहदा कट्ठ आपां ने फेर कीता। भाई लखे दे उत्ते झूठे केस बनाते, तरन तारण जिले की पुलिस ने। मैं भाई लखे नू बहुत देर तो जानदा, ये सिर्फ ते सिर्फ समाजिक काम करते हैं। पंजाबी गुरमुखी लिपि दे विच लागू करवाना चाहते हैं। साडे पंजाब दे विरसे नू उन्नू रखना चाहते हैं। ते इन्होंने कदे भी कोई गैर कानूनी गल नहीं की। आ जड़ा इन्होंने इल्जाम लाते कि पाकिस्तान दे उत्तों असला इन्हों को आता है, नशे आते है, ये बिल्कुल झूठ है। एहो जे नौजवान दे उत्ते झूठे परचे करन दे नाल साडी समाज दे विच बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है। हजारां दी तादाद दे विच साडे पंजाब नू हिंदुस्तान नू छड्ड के साडे सिख नौजवान इत्थों हिजरत कर रही है, बाहर दे मुल्कां दे विच जा रही है। क्यों करके हिंद हुकूमत ने 1984 तो बाद जिहड़ा साडे उत्ते जुल्म दी नेरी छड्डी होई है। बेशक कांग्रेस सरकार आ जाए, बीजेपी आरएसएस आ जाए, पर सानू सिख कौम नू ये लोग टिकन नहीं दे रहे। इहदा हल यही है कि जिहड़ी महाराज दसवें पातशाह ने सानू हुक्म दिता है, इन गरीब सिखों को दो पातशाही। हुण सानू गुलामी दे विच किन्ने सौ साल वस के असी देख लिया है। सानू बादशाही की गल समझ नहीं आती। बादशाही की हुंदी है? जिवें मोदी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो भगवंत मान इत्थों का चीफ मिनिस्टर है। भगवंत मान दिल्ली का नवाब हो सकूगा, पर साडे सिखां दे कोले बादशाही नहीं है। बादशाही किहदे कोले है? मुसलमान कोले। पाकिस्तान दे विच हिंदू नूं
बादशाह इंडिया दे विच प्राप्त हुई है, दिल्ली तो चलती है। सो जिन्ना चिर आपां खुद मुख्तियार नहीं हुंदे, उन्ना चिर सानू सियासत दे विच जगह नहीं मिल रही। तुसी बड़े चा दे नाल मैनू फिर तो मैंबर पार्लीमेंट बनाया। मैं पार्लीमेंट जिहड़ी पिछे चली है बरसात दी, सारे दिन मैं पार्लीमेंट दे विच गया। पर तुहानू पता है कि मैनू बोलन दी इजाजत नहीं दित्ती गई, ते बोलदी कौन है? सिर्फ ते सिर्फ वध गिनती जिसने हिंदुस्तान की सियासत के उत्ते कब्जा कर लिया। पार्लीमेंट दे विच 543 मैंबर पार्लीमेंट है, ते ये नहीं सोचते कि जे सिखा ने एक मैंबर अपना सिमरनजीत सिंह मान भेजिया, इन्हू भी इजाजत दिती जावे अपने कौम की दुख ते तकलीफ दसन दे लई। ये सारा माल बिल्कुल खप्त होया होया। अज 3 दहाके हो गए है पूरे, 9 तरीक नू 3 दहाके पिछे साडे भाई जिंदे ने ते भाई सुखे नू फांसी दे उत्ते चढ़ाता सीगा। अज उन्हां दी बरसी है, सिखां दा कट होया। मैं एसटीपीसी दे मैंबर नू 2 मिंट दे लई बेनती करदा कि भाई जिंदे सुखे दे अरदास दे विच 5 वारी संगत वाहेगुरू वाहेगुरू करे। लो वाहे गुरु 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 जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बेशक साडी कौम नू बादशाही नहीं मिली, पर ये साड़ी कौम एहो जी है कि जेड़े सिखां दे उत्ते जबर करदे है, साड़ी सिख कौम उन्हां दे उत्ते वार करदी है। इस तरह ब्लू स्टार दरबार साहब दे उत्ते जिहड़ा हमला होया से, भाई जिंदे ते सुखे ने जाके बदला लिया। तुहानू पता है कि मस्सा रंगड़ ने दरबार साहब दे उत्ते कब्जे कर ले सी, पर भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने उस आदमी नू छड्डिया नहीं सी। सो बेशक साडे कोले राज नहीं है, कोई सलाह दुष्ट नूं खत्म करन दे लई नहीं बनाउंदा। इह सिखां दे विच अपने आप एक रूह भर आउंदी है कि साडे उत्ते जुल्म होए है, इह फिर बदला लै लैंदी है। इसे करके अज भाई सुखे जिंदे दी बरसी ते अपने वाहेगुरु का नाम लिया, दलेरां दा आम लिया। दूसरी गल करनी है कि जिहड़ी आप सरकार अपने बनाई है, इन्होंने कानून पास करता है कि जिन्नियां भी सांझियां जमीनां साडियां पंचायत दियां जमीनां, उहदे उत्ते सरकार कब्जे करूगी। ये जड़ियां जमीना पंचायत ते सांझियां
ये उत्ते आपां स्कूल बना सकते हैं, डंगरां दा हस्पताल बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, जिहड़ी पिंड दी भलाई दे लई कम हुंदे है वो सारा पैसा पंचायत दीयां जमीनां तों आउंदा है। पर अज सरकार आप दी साडियां पंचायतां दीयां जमीनां लैण नूं इन्हां ने असैंबली दे विच कानून पास करता है, पर अजे ये गवर्नर दे कोले जाऊगा, फिर प्रेजिडेंट कोले जाऊगा, फिर ये कानून बनूगा। हुण ये सारे जिहड़े सरपंच अपने हैगे है, पंचायतां हैगियां, इन्हां दे पल्ले कख नहीं रहना। असी अपनी पिंडां दे विच मर्जी दे नाल अपनी पंचायत दा पैसा नहीं खर्च कर सकांगे। जिहड़ा दिल्ली दे उत्ते किसानां दा मोर्चा लग्गिया सी, ओह तुसीं सारिआं ने जा के जित्तिआ। जे जित्तिआ तां उहदे विच लिखिआ सी कि जिहड़ीआं जमीनां आपां ठेके ते दे दांगे वड्डे वड्डे साहूकारां नूं, बेशक 30 साल दे लई दे दईए, पर असीं 30 साल तो पहला अपनी जमीन नहीं छड़ा सकांगे, अदालत दे विच नहीं जा सकांगे। बेशक साडी धी दा विआह होवे, बेशक साडा होर होवे, सानू अपने पैसे दी लोड़ होवे ते आपां नहीं अपनी जमीन ये वड्डे शाहूकारां तो छड़ा सकदे। हुण इही कानून दूजे राही ये आम पार्टी जिहड़ी बीजेपी आरएसएस वर्गी है ये हुण कानून लियाउणा चाहुंदी है, ते इहदे खिलाफ अपनी पार्टी जिवें अज असीं इत्थे इकट्ठ कीता इलाकिआं दे विच इकट्ठ करांगे। सो सारीआं पंचायत मैंबरां नूं ते नौजवानां नूं मैं सुचेत करदा सरपंचां नूं कि आपां नूं इक लड़ाई होर लड़नी पैणी है, क्यों करके साडे कोले अज आजाद मुल्क दी ताकत नहीं है। अज जे भाई लखे दे उत्ते एडा गंदा मुकदमा करता है तां आपां नूं इकट्ठे होना पिया कि सदियां दे लई आपां सिख अपने हक मंगण दे लई इकट्ठ ही करी जावांगे। ये गल बिल्कुल गलत है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जिन्हां ने नारा दिता सीगा अपनी कौम नूं आजाद करन दे लई, गुलामी दे विच असीं घुसे होए हैं, सानू सरकार ने अज तक नहीं दस्या कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा संस्कार कित्थे कीता, भोग कित्थे पाया है, फुल कित्थे पाए है। तुसीं दसो ये गुलामी दे विच आपां किन्ना चिर रह सकांगे। आ भाई अमृतपाल सिंह हुणे तुहाडे नाल गल करके गए है, परसों असीं इसे इकट्ठ दे लई प्रेस कॉन्फ्रेंस बठिंडे कीती सी, पर अंग्रेजी अखबारां ने जिहड़े हिंदुत्वा दे नाल चलदे है उन्हां अखबारां ने साडा बयान नहीं दित्ता कि असीं इकट्ठ करांगे, पंचायतां दे हक नहीं जाण देवांगे। तो साध संगत जी, अज ये जिहड़ी प्रेस है अखबारां है इन्हां नूं वी भगवें रंग दे विच रंगिया गया,
मैं तुहाडे नाल गल करनी है कि इत्थे दीना कांगड़ महाराज ने जफरनामा लिख के औरंगजेब नूं भेजिया, अपने विच दृढ़ता दी पूरी ताकत है, असी अपनी ताकत नूं कदे छड़ना नहीं है, लड़दे आपां रहांगे, पर जे अपना मुल्क अलहदा बन गया फिर एडे एडे इकट्ठ करन दी लोड़ नहीं होगी। 14 अक्तूबर नूं 7 साल हो जाणगे जिहड़ा बादल ते साध सरसे वाले ने साडे गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी करवाई सी बरगाड़ी दे विच, 2 नौजवान सिख शहीद कराते सी ये बादलों ने, उन्हां दा भोग 14 तरीक नूं बरगाड़ी विखे पऊगा। मैं बेनती करदा तुसी सारे गुरद्वारा साहब दे विच जरूर हाजरी देनी है। अज जिहड़ी आपां गल करदे हां इह है पतित पुणे दी, सानू पतित नहीं होना चाहीदा। सिख दी दाढ़ी केस बिल्कुल होने चाहीदे है कि साडी पछाण होवे सारी दुनिया दे विच। जिहड़े नौजवान अज अमरीका कैनेडा यूरोप दे विच जा रहे हैं, जिहड़ी मैं चिट्ठी दिंदा मैं उहदे च लिखदा कि ये सिंह पूरी सूरत वाला सिख है। ते तुसी 2 फिल्मां देखियां होणियां, एक ये जरूर देखियो, एक तां चड्डा लाल सिंह चड्डा, ते दूजी हैगी है जोगी। जदों 1984 दे विच सिखां दे उत्ते बहुत गिनती ने हमले किए, तुसी देखो मावां कैंची लेके अपने बच्चों के केस मुन रही हैं। क्यों मुन रही हैं? कि ये वध गिनती दे वर्गे जिहड़े कातल है ओहो जे लगन। तो साध संगत जी, उहदे तो मैं सबक सिखिया, कल नूं जे साडे उत्ते भीड़ पै जे ते जिहड़े मेरे वीरां ने केस दाढ़ी मुन रहे है ओह तां उसे भीड़ दे विच शामिल हो जाणगे कि असी तां सिख है नहीं, मारे तां असी जावांगे। साडे हक दे लई कौन आऊ उदों जे आपां अपने मजहब नूं छड्ड के होर किधरे चले गए। सो ये याद रखियो संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी। मैं एक बारी कैनेडा च सीगा, जदों कोई सियासतदान कैनेडा जांदा है उत्थों दे रेडियो टेलीविजन कहिंदे है कि साडे नाल गल करो। मैं रेडियो दे उत्ते गल कर रहा सी ते मैनू सवाल पुछिया, कहिंदे मान साहब जिहड़े असी मोने हो गए हैं तुहानू असी सिख समझदे हैं, तुहानू तुसी सानू सिख समझदे हो। मैं उन्हां नू उत्तर दिता कि तुसी मोने नहीं हो, तुसी रोडे हो। ते संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दा भी पिंड रोडे सी, सो मैं नहीं मन्निया कि तुसी मोने हो। पूरी तरह तुहाडी गल करी दी है, पर आपां शेरां वर्गण रहना
जिन्ने दिन अपने बतीत करने हैं। फिर मैं अमृतपाल सिंह जी का मन्ना दा, नवजोत कौर दा, सुखपाल सिंह खैरा साहब, जसकरण सिंह सारे दा, गुरसेवक सिंह जी दा, ते हरमिंदर सिंह दा, बाड़ियावाली दा, ते सब तो ज़्यादा भाई लखे दा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुसी सारी कट करके जो सरकार साडे नाल करना चाहती सी उसनों खत्म कर दिता है। ते हुण पंचायतों दीआं जमीनां साडी पार्टी ने सरकार नूं नहीं खोण देणियां। हथ खड़े कर दो नौजवानों कि असी दृढ़ता दे नाल बोले सो निहाल अपना मुल्क बनाउणा है। किसे दे अधीन नहीं रहना, किसे दे गुलाम नहीं रहना, अपने हक लेने हैं, अपनी आजादी लेनी है। यही संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले सानू सिखा के गए है 1984 तो लेके अज। मैं संत जरनैल सिंह की सोच नू नहीं छड़िया, तोड़े विच लेके आए हैं, ते मैनू फिर मौका दिता है पार्लियामेंट दे विच जाण दा। मैं तोड़ा बहुत मशकूर ते रणी है, ते अंत दे विच फतेह अर्ज करदा है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।